साथियों, इस वीडियो के अंदर अब हम अंग्रेजों की जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में बात करेंगे और हमने जो राजाशाही व्यवस्था है उसको क्लोज कर दिया है। यहाँ से जो हमारे देश में जो विदेशी कंपनियाँ आई थी उनके वहाँ से शुरुआत करेंगे और इसको फिर आगे अंग्रेजों ने कैसे कब्जा किया, इसकी सारी हिस्ट्री को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि साथी, इस समय तक के जो 1600 ईस्वी तक जो यूरोप के जो देश थे उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो गया था, काफ़ी विकास हो गया था और एक तरीके से औद्योगिकीकरण जो विकास है, उद्योगों का विकास, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, बहुत सारी नई नई चीज़ों का उन्होंने इजाद कर लिया। यूरोपीय जो देश थे, हर देशों ने अलग अलग एक कंपनी बनाई हुई थी, जो कंपनी अलग अलग देशों में जाती थी और उनसे व्यापारिक संबंध बनाती थी। तो ये उनका एक सुनियोजित प्लान था, जिस प्लान के तहत हमारे देश के अंदर भी अलग अलग 3-4 कंपनियां हमारे देश के अंदर आई। दूसरा चीज़ ये समझना साथियों कि जो यूरोप के जो देश हैं उनसे हमारा संबंध पहले से था। हमारा जो ये रास्ता है पैदल चलने वाला, क्योंकि पहले समुद्री मार्ग किसी को पता नहीं था, ना समुद्र मार्ग से कोई आता था। पहले जो था वो पैदल वाला जो मार्ग था, उस पैदल वाले मार्ग में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस रास्ते से जो अरब देश हैं उसके अलावा आगे जाके फिर ये यूरोप तक रास्ता जाता था। इसलिए व्यापार का एक लंबा रास्ता था, जिस रास्ते से व्यापारी का जो आना भी था और जाना भी था। तो हमारे देश में ये पहली बार जो है यूरोप देश के लोग आए, ऐसा नहीं था। इसके पहले भी यूरोप के जो व्यापारी है वो हमारे देश में आ रहे थे और हमारे देश के लोग भी आगे यूरोप तक व्यापार करने जा रहे थे। तो व्यापार का रास्ता ही पैदल वाला था। बीच में क्या हुआ कि ये जो इस्लामिक जो देश शुरू हुए, तो बीच में कस्तूनिया करके एक जगह है, वो जगह ऐसा है कि वो एक रास्ता है वहाँ से निकलने का, बाकी जगह समुद्र हैं। तो जो कस्तूनिया है वहाँ पे किसी ऐसे शासक का कब्जा हो गया जिसने जो इस्लामिक जो उस तरह के यूरोप वाले लोग हैं उनको वहाँ से निकलने नहीं दे रहा था, तो उनका व्यापार बंद हो गया। वहाँ से निकलने दे रहा तो इस तरफ आ नहीं सकते थे। तो उसके बाद से यूरोप के देशों ने वे समुद्र से रास्ता खोजने की कोशिश की। 1492 में कोलम्बस जो है निकला था इस खोज के लिए, 1492 में वो अमेरिका पहुँच गया। तो यूरोप के देशों को अमेरिका का पता चल गया। तो उसके बाद से साथी 1498 में एक पुर्तगाली था, वास्को डी गामा, वो समुद्र के रास्ते से निकला तो वो जाके आ गया भारत देश में, केरला के उसमें वहाँ कोझिकोड जो है वहाँ पे आके वो टच हो गया। तो वहाँ उसने देखा कि हाँ भारत में आ गया वो। तो भारत में आने के बाद से पुर्तगाली जो है उनका आगमन हो गया। वहाँ से फिर वो सामान लेके गया, सामान लेके गया वहाँ पे समुद्र के रास्ते से। तो वहाँ से लगा कि उनको पता चल गया कि समुद्र का रास्ता है। फिर वहाँ से जो ये ब्रिटेन वाले लोग थे ये समुद्र के रास्ते से आए, तो फिर उसी ये रास्ता समुद्र वाला रास्ता पता चल गया। समुद्र वाला रास्ता पता चलने के बाद से फिर ये तीनों चारों कंपनी हमारे देश में आई। पहले 1498 में पुर्तगाली आए, वास्को डी गामा पहला व्यक्ति था जो समुद्र के रास्ते से आया था। इसके बाद से 1595 में डच आए। डच कौन थे? ये नीदरलैंड, हॉलैंड, ये इन देशों के लोग थे। तो ये आए हमारे देश के अंदर व्यापार के लिए। उसके बाद 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए, ब्रिटेन के लोग आए, ब्रिटेन का कंपनी आया। और 1664 में ये फ्रेंच लोग, फ्रांस की कंपनी आई। ऐसा मिलाकर के व्यापार के नाम से, समुद्र के रास्ते से हमारे देश के अंदर ये अलग अलग समय में 4 देशों की 4 कंपनी आई। और इसके बाद इन्होंने हमारे देश में आने के बाद यहाँ पर अलग अलग कंपनियों की स्थापना की। पुर्तगाली जो है 1498 में कोचीन में आए थे, कोचीन में लगे थे वो समुद्र रास्ते से। और इन्होंने जो है 1503 में सूरत में इन्होंने अपनी कंपनी लगाई। अंग्रेज जो आए थे वो 1600 में आए थे, सूरत के जो बंदरगाह है वहाँ पहुँचे थे। और 1608 में इन्होंने सूरत में भी ईवी कंपनी लगाई और 1613 में मसूलीपट्टनम में भी कंपनी लगाई। डच जो आए थे वो 1602 में आए थे, मसूलीपट्टनम में आए थे, और 1605 में मसूलीपट्टनम में भी इन्होंने अपनी कंपनी लगाई। फ्रांस जो फ्रांसीसी आए थे
वो 1660 में आए थे और इन्होंने 1668 में सूरत में कंपनी लगाई। तो इस तरीके से चारों कंपनी आए थे, चारों कंपनियां इन्होंने अपने देश में स्थापित की और यहाँ से साथी व्यापार शुरू किया। साथ में ये भी समझना साथी कि हमारे यहाँ के जो राजा थे, राजाओं के साथ ये मिले और इन्होंने राजाओं को समझाया कि हम व्यापार करने के माध्यम से आए हैं और हम आपके यहाँ से फलाना सामान ले जाएंगे, वहाँ बेचेंगे, उसके बदले में आपको इतना पैसा देंगे या इतनी मोहरें देंगे, सोना देंगे, चांदी देंगे, जो भी था। तो राजाओं को भी ये कन्वेंस करने में सफल हुए कि व्यापारी हैं, इससे आपका जो है रेवेन्यू बढ़ेगा, आपको पैसा मिलेगा। तो राजा भी इस बात में कन्वेंस हो गए कि ठीक है आप बिजनेस करो। राजाओं ने इनको सहयोग किया, इन्होंने अलग अलग राजाओं से अलग अलग पहले सहूलियतें मांगी, सहयोग मांगा। तो राजा जो भी थे उन्होंने इनको सहयोग किया, सहूलियतें दी। तो इस तरीके से ही अपने राजाओं के सहारे से यहाँ पैर जमाने में हमारे देश में सफल हो गए। अब हम साथ ही इनकी अलग अलग चारों कंपनियों के बारे में भी समझ लेते हैं कि इनकी क्या समझ थी। सबसे पहले हम पुर्तगालियों के बारे में बात कर लेते हैं। जो पुर्तगाली थे, जो वहाँ का शासन व्यवस्था था, वहाँ का उनका एक राजा था प्रिंस हेनरी, उसने ये खोज करने का अभियान जो है मैं इनको लगाया था। सबसे पहले वास्को डी गामा आया था, उसके बाद से इनका एक दूसरा बंदा आया जिसका नाम था पेट्रो अल्वारेज, और ये पेट्रो अल्वारेज जो था ये इसको इस कंपनी का वाइसराय बनाया था। किसने? प्रिंस हेनरी ने, और इसी वाइसराय ने वास्को डी गामा को भेजा था। तो इनका स्ट्रक्चर था जिसमें जिससे इन्होंने इस कंपनी को प्लानिंग के साथ भारत भेजा था। अल्मीडा जो है 1505 में आया, वो 1505 से 1509 तक हमारे देश में रहा, और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब है व्यापार पे कब्जा करना। तो व्यापार के करने के साथ में व्यापार को कैसे करना है, उस तरीके की एक पॉलिसी ला करके इन्होंने विधिवत काम शुरू किया, जिसको इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी कहा। उसके बाद से 1509 में दूसरा वाइसराय आया था पुर्तगाली, जिसका नाम था अल्बुकर्क। ये 1509 में आया था और 1515 तक हमारे देश में रहा। इसने गोवा को जीत लिया और कोचीन को इन्होंने राजधानी बनाया। इन्होंने 1510 में बीजापुर एक राजा था जिसका नाम था आदिल शाह, उसको हराया था, और इन्होंने 3G की नीति चलाई थी, गोल्ड गोल्ड और गैलोरी। पहला क्या मतलब था, ये विवाह नीति इन्होंने अपनाई थी। ये क्या कर रहे थे कि जो पुर्तगाली थे और जो हिंदू महिला है यहाँ की लड़कियों से शादी कर रहे थे, ताकि शादी करके यहाँ के लोग उनको स्वीकार लें। ये दूसरा बिजनेस कर रहे थे। तीसरा जो है इनका पूरा जो है एक ताकत थी जो उसको दिखा रहे थे। तो इस तरीके से इन्होंने 3G का नाम करके पॉलिसी जमा करके ये वहाँ पर सारी व्यवस्था शुरू की थी। और इस समय साथ ही समझ इनके तीन लक्ष्य थे। एक तो ये थे कि ये ईसाई धर्म को लेके आए थे, ईसाई धर्म को बढ़ाना, ईसाई धर्म को फैलाना, ये इनका पहला लक्ष्य था। दूसरा आर्थिक संपत्ति यहाँ से लेना या लूट के ले जाना और अपने पुर्तगाल को मजबूत बनाना। तो आर्थिक संपत्ति लूटना दूसरा इनका लक्ष्य था। और तीसरा यूरोप में अपना वजूद बढ़ाना। यूरोप में जो लड़ाई चल रही थी, देखो यूरोप के देश आप देखेंगे छोटे छोटे से देश हैं, तो छोटे छोटे से देश जो दूसरे गरीब देश थे उस समय जो कमजोर, उन पर कितने जगह इनका कब्जा है, तो कितने जगह इनका कब्जा है उससे उनका यूरोप में कद बढ़ता था। तो ये इनका लक्ष्य था जिसके लिए वो भारत में आए थे। तीसरा आया था वाइसराय जो नीनो डी कुल्हा, जिसने जो गोवा जीता था, गोवा को राजधानी बनाया, उसी को कार्यालय बनाया। उसके बाद से इन्होंने फिर द्वीप और दमन, तो जो टापू थे उनको भी जीत लिया। तो यहाँ पे इनको थोड़ा इनका विस्तार बढ़ गया। उसके साथ ही साथियों ये कुछ टेक्नोलॉजी भी लेके आ रहे थे। ये प्रिंटिंग प्रेस वाला जो काम है, प्रिंटिंग प्रेस की टेक्नोलॉजी पुर्तगाली लेके आए थे हमारे देश में। उसके अलावा बहुत सारे फल जो हमारे देश में आज हैं, अनार है, पपीते हैं, बहुत सारी ऐसे जो फल हैं जो इनके पहले हमारे देश में नहीं थे, तो बहुत सारे फलों की वैरायटी भी ये लेके आए थे हमारे देश में, जिनको इन्होंने यहाँ पैदा करना शुरू किया, जो फिर हमारे यहाँ की स्थायी एक उत्पादकता के रूप में आज भी हम करते हैं। तो ये बहुत सारी
टेक्नोलॉजी और टेक्निकल चीज़ें थी जो लेके आए थे, जो हमारे देश में आज तक चल रही हैं। अब साथियों हम डच के बारे में बात कर लेते हैं। ये डच जो है हॉलैंड और नीदरलैंड से आए थे 1595-96 में। कार्नेलियास हाउटमैन भारत देश की जगह ये इंडोनेशिया पहुंच गए थे, और इसके बाद ये भारत में आए, इंडोनेशिया से फिर भारत में आए। जो डच वाले ये वस्त्रों का व्यापार करते थे, डच का और ब्रिटेनियों का आमने सामने युद्ध हुआ और उन्होंने डच को ख़त्म कर दिया, और यहाँ से डच ख़त्म हो गए और यहाँ से बिस्तर बोरिया बांध के वापस चले गए। फिर ब्रिटेन का जलवा यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ। अब हम साथ ही अंग्रेज और फ्रांसीसी जो कंपनी थी उनके उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो ब्रिटेन की जो एक राजकुमारी थी एलिजाबेथ प्रथम, इन्होंने पूर्वी भाग में, उनके हिसाब से पूर्वी भाग में व्यापार करने का फैसला किया। 31 दिसंबर 1600 में की थी, जिसमें उन्होंने बाकायदा एक कंपनी बनाई, और उन्होंने 15 साल की योजना बनाई, और 15 साल का फरमान दिया गया कि 15 साल तक ये पूरी एक योजना है जिसको आपको चलाना है। 1603 में उस रानी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद नया जो राजा बनते हैं उनका नाम था जेम्स प्रथम, वो राजा बनते हैं। और उस राजा बनते ही 1603 में कैप्टन हॉकिंस को एक पत्र के साथ व्यापार का संबंध बनाने के लिए, उस समय राजा उनकी जानकारी के हिसाब से अकबर था, तो अकबर का पत्र बना करके 1603 में वहाँ से उसको भेजते हैं, जो 1608 में पहुँचता है। अब समझो इतने दूर से पैदल आ रहा हो, 1603 में चला, 1608 में पहुँचा, जब तक 1605 में अकबर मर चुका था और उसकी जगह जहांगीर शासक बन गया था। तो जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ उसका लेटर लेकर के, और 1608 में इन्होंने सूरत में पहली कंपनी बनाई जो 1611 में तैयार होगी। 1611 में मसूलीपट्टनम में भी इन्होंने एक कंपनी बनाई। उसके बाद से 1615 में टोमस रो आते हैं और जहांगीर के दरबार में जाते हैं और उनसे व्यापार के लिए कई रियायतें मांगते हैं। जो रियायतें मांगते हैं वो रियायतें जहांगीर उनको दे देता है। उसके अलावा 1632 में गोलकुंडा का जो शासक था, राजा है, उससे भी मिलते हैं और एक सुनहरा फरमान जारी करा लेते हैं। सुनहरा फरमान का अर्थ था कि वो अपने उसके राज्य में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, व्यापार की छूट है। उसके बाद 1717 में जो फारूक सियर था, जो मुगल शासक था, उसका शासन था उस समय हमारे देश में, जॉन शर्मन एक दूत है वो आता है और फिर उससे विशेष रियायतें मांगने की अपील करता है, और यहाँ से उसको विशेष रियायतें मिल जाती हैं। अब राजाओं को बिल्कुल समझ नहीं आया, वो तो व्यापार के हिसाब से राजा सोच रहे हैं, और ये राजाओं को ये लग रहा है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, तो उनको जो रियायतें मांग रहे हैं, जो मांग रहे हैं वो देते जा रहे हैं। राजाओं को ये समझ में नहीं आया कि ये हमारे ऊपर कब्जा करने आए हैं, और इनको दो फरमान जारी हुए, 3000 रुपये लेकर के बंगाल के क्षेत्र में मुफ्त व्यापार करने का छूट दे दिया, मतलब कोई टैक्स नहीं होगा उसके ऊपर, 3000 साल का आपको देना है बस। उसी तरीके से 10000 रुपये साल का लेकर के सूरत के क्षेत्र को मुफ्त व्यापार करने का छूट दे दिया। उसके अलावा बम्बैया सिक्के चलाने की छूट दे दी व्यापार के लिए, ताकि वो अंग्रेज अपने खुद सिक्के चला करके व्यापार कर सकें। तो ये जो है प्रमुख पैर जमाने के प्रमुख ये फैसले थे जिससे अंग्रेजों ने बहुत अच्छी तरीके से पैर जमाने शुरू किए। वो ये जो समझौता हुआ था इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये मैग्ना कार्टा का अर्थ है कि यहाँ से वो बिल्कुल एकदम जड़ जमाने में सफल हो गए। उसके बाद से साथ ही यूरोप में एक घटना घटती है कि जो ब्रिटेन का राजकुमार है वो पुर्तगाल की राजकुमारी, उनकी दोनों की शादी हो जाती है, और इस शादी में जो पुर्तगाली राजा होता है वो मुंबई को जो ब्रिटेन का राजा होता है उसको दहेज में सौंप देता है। अब देखो वहाँ यूरोप में क्या चल रहा है, यहाँ हमारे देश को दहेज में सौंप रहा। और फिर ये राजा क्या करता है कि 10 पौंड किराया लेकर के इस जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसको सौंप देता है व्यापार करने के लिए। उसके बाद से औरंगजेब के टाइम पे भी ये कुछ गड़बड़ करते हैं, तो औरंगजेब जो है इनको पीछे खदेड़ देता है, हटा देता है, भगाता है इनको। तो जब ये हरकतें करते हैं तो उस समय भी क्या होता है कि वो कैसे भी चालाकी से औरंगजेब के साथ एक संधि कर लेते हैं और ये भगते नहीं हैं।
पुनः रुकने की स्थिति बना लेते हैं। अब जो फ्रांस की कंपनी है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। वहाँ पे एक शासक होते हैं लुई चौदवां, जो 1664 में होते हैं, और 1664 में ही वो फ्रांस की इस कंपनी की स्थापना करते हैं कि हमको भारत देश और इस वाले क्षेत्र में व्यापार करने जाना है। और 1668 में वो सूरत में पहली कंपनी बनाते हैं, 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी कंपनी बनाते हैं, 1673 में पांडुचेरी पर कब्जा कर लेते हैं, 1674 में चंद्रनगर पर कब्जा कर लेते हैं। और इसी दौरान एक तरफ ये करते हैं, एक तरफ अंग्रेज करते हैं, इसलिए अंग्रेजों का और फ्रांस वालों का आमने सामने युद्ध हो जाता है, जिसको कर्नाटक युद्ध कहा गया। वो इस युद्ध में जो फ्रांसीसी हैं वो हार जाते हैं, मुंबई में, मद्रास में और पांडुचेरी में, चार जगह अपनी निजी फोर्ट बनाते हैं, किले बनाते हैं, क्योंकि वहाँ इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो साथी ये था इनका तीनों चारों कंपनियों का इतिहास जो मैंने आपको बताया। वो अंत में क्या है, इनका तीनों चारों का आपस में युद्ध हुआ, तो तीन युद्ध हुए इनके आपस में। वो तीनों युद्ध भी और भी समझ लेते हैं। पहला जो युद्ध हुआ था वो 1746 से 1748 के बीच में, ये जो लड़ाई हुई थी ये लड़ाई भारत से जुड़ी हुई नहीं थी, मगर हो रही थी भारत में। ये ऑस्ट्रिया जो था उसको कब्जा को लेकर के लड़ाई चल रही थी, वहाँ युद्ध चल रहा था। वहाँ के युद्ध के चक्कर में यहाँ पे भी फ्रांसीसी और ब्रिटेन की कंपनी आमने सामने हो रही थी। फाइनली इसमें वहाँ पे एक संधि हुई जिसका नाम था एला साहेल की संधि, और संधि के साथ में ये विवाद खत्म हो गया। दूसरा जो युद्ध था वो 1749 से लेके 1759 के बीच में हो गए। ये जो युद्ध हो रहे थे ये हैदराबाद और कर्नाटक जो क्षेत्र था उस पर उसका उत्तराधिकारी कौन होगा उसको लेकर के हो रहे थे। और इसमें क्या था, जो यहाँ के स्थानीय राजा थे इन क्षेत्रों के, एक गुट के साथ ब्रिटेन की कंपनी थी, एक गुट के साथ फ्रांस की कंपनी थी, तो दोनों कंपनियाँ एक दूसरे को सपोर्ट करके आपस में लड़ा रहे थे। वो किसका वजूद कहाँ ज़्यादा रहेगा उसके ऊपर ये युद्ध चला। बाद में फाइनली पांडुचेरी की संधि हुई और उस संधि के बाद ही युद्ध खत्म हो गया। तीसरा युद्ध जो है 1756 से लेकर के 1763 के बीच में हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस का आपस में टकराव हो रहा था। उस टकराव के कारण से यहाँ भी टकराव हो रहा था, वो इसकी पेरिस की एक संधि हुई उसके बाद ये टकराव खत्म हो गया, युद्ध ये खत्म हो गया। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज और फ्रांस की कंपनी आमने सामने थी, फ्रांस की पराजय हुई, अंग्रेजों की जीत हुई, और यहाँ से फ्रांसीसी अपना बिस्तर बोरिया बांध के भगने लगे, और जो है अंग्रेज जो है यहाँ पे अंग्रेजों का दबदबा बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या बचे, फिर अंग्रेज बचे, पुर्तगाली बचे, और जो है जो डच थे और फ्रांसीसी थे उनका लगभग खात्मा होने का संभावना बन गया। साथियों ये जानकारी थी जो हमारे देश के अंदर जो यूरोपियन कंपनियाँ आई थी व्यापार के नाम से, और व्यापार के नाम से आने के बाद उन्होंने किस तरीके से हमारे देश में हलचल की, किस तरीके से देश के राजाओं को उन्होंने अपने कब्जे में लिया, और उसके बाद से साथियों फिर 1700 के बाद से इनकी एक्टिविटियों की, अंग्रेजी जो शासन था वो फ्रांसीसी शासन खत्म हुआ, डच खत्म हो गए और पुर्तगाली एक सीमा में सिमट गए थे, तो फिर जो अंग्रेज थे उन्होंने अपना व्यापार को बढ़ाना शुरू किया। उनको जैसे बंगाल का और सूरत का जो मुक्त व्यापार का जो छूट मिला राजाओं से, तो वो उनको कब्जा करने में आसानी शुरू हुई। वो पहला कब्जा उन्होंने बंगाल से किया था। तो साथियों ये था अंग्रेजों का आना, कंपनियों का आना और उनका कब्जा शुरू होना। एक चीज़ और समझना है साथियों कि इस समय हमारे देश के अंदर जैसे जहांगीर था, औरंगजेब था, औरंगजेब के बाद हमारे देश की जो मुगल थे वो कमज़ोर हो गए थे। तो साथियों ये शासन व्यवस्था कमज़ोर होने के बाद से अंग्रेजों को और अच्छा मौका मिल गया, और अंग्रेजों ने हमेशा फूट डाल के एक राजा का इस्तेमाल, दूसरे का तीसरे का, हर तरीके, दिमागदार लोग थे वो, उन्होंने हर तरीके की भारत की जो समाज की कमजोरी थी, कमी थी, अशिक्षा थी, जो कम जानकारी थी, जो लड़ाई का, जो अलग अलग धर्मों का जो झगड़ा था, उस सब चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया और एक राजा को तोड़ा, उसके दूसरे से लड़वाया, जो एक दूसरे की राजाओं की लड़ाई का जो दुश्मनी का भाव था उसमें एक दूसरे को सहयोग किया। सभी तरीके के षड्यंत्र करते हुए उन्होंने राजाओं को आपस में लड़ा करके अपनी ताकत बढ़ा करके राजाओं के ऊपर कब्जे करने शुरू किए, उठाया उन्होंने फ़ायदा उठा करके हमारे देश पर धीरे धीरे करके कब्जा किया, और 1857 पर पूरा कब्जा कर लिया। 1858 में उन्होंने घोषणा कर दी। तो ये साथियों एक
थोड़ा शुरुआती वीडियो था जिसमें हमने कंपनी को आगमन आपको समझाया। अब हम अंग्रेजों का जो जैसे कब्जा शुरू किया अगले वीडियो में, उसका कौन कौन सी लड़ाई लड़ी, कहाँ लड़ी, किस तरीके से किया, उसके बारे में बात करेंगे। और हम अंग्रेजों का जो अब विषय है उसको थोड़ा विस्तारित लेके चल रहे हैं ताकि सारी चीज़ें हमारे साथियों को जानकारी हो सके। इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई चीज़ छूटे ना, मोटी मोटी जितनी चीज़ें सब चीज़ों को समाहित करते हुए हम आगे बढ़ेंगे साथियों। तो इस वीडियो को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी भी पसंद आपको आएगी और हम इस जानकारी के साथ अपना जानकारी भी बढ़ाएंगे किस तरीके से हमारे देश पे कब्जा किया अंग्रेज़ों ने और इस पूरे मूवमेंट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो साथियों थैंक्स आपको, धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे निवेदन ये करते हैं कि आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दर्शन सीरीज के सारे वीडियो सुने, ये अपील है, साथ में सारे वीडियो शेयर करवाने में सहयोग करें। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। उम्मीद है कि आप सहयोग करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो।